तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ इक्वेशन, ठीक है। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं ना, उनके हम ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। लंबा लेक्चर जाएगा, इत्मीनान से बैठ के देखिए, एक एक चीज़ कंसेप्ट के साथ समझा दूंगा, एक प्रश्न भी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। इसका क्विज टेलीग्राम पे होगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए ठीक है, बिना टाइम की बर्बादी के अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए तथा बी से समदूरस्थ है। ऑप्शन दिया हुआ आपका ये, ठीक है। देखिए दो बिंदु है आपका, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 6 और 5 है, और बी का कोऑर्डिनेट है -4 और 3 है, ठीक है। सीधा ऑप्शन से भी बना सकते हो आप, ठीक है, लेकिन मैं डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर हो। इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस क्या हो, दोनों का सेम हो, और वो पॉइंट होना चाहिए वाई का। वाई अक्ष पर क्या होगा, वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है आपका, 0, और वाई का वैल्यू वाई होगा वो, ठीक है। इस बिंदु को हम मान लेते हैं पी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एपी होगा ना, वो आपका पीबी के बराबर होना चाहिए। तो अगर इसका डिस्टेंस ज्ञात करें तो वो स्क्वायर में आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि एपी स्क्वायर जो है ना, वो पीबी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब एपी निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स आपका, ठीक है। इन दोनों को माइनस कीजिए, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस वाई हो गया 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सीधा कहें तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 हो गया वो, ठीक है। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। x3 y3 मान लीजिए इधर। इसी तरह से अगर पी वी निकालना है तो क्या करेंगे हम, x2 माइनस x1, x3 मान लेते हैं इसको, x3, और ये y4 मान लेते हैं, y3 मान लेते हैं, ठीक है। तो x3 माइनस x2 यानी कि -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y3 माइनस y2, 3 माइनस कितना आ जाएगा, वाई का होल स्क्वायर। निकालना क्या है हमने, बिंदु निकालना वाई का, और एक्स तो 0 है ही आपका, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ से अगर मैं वाई निकाल लूँ इसको सॉल्व करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा 36 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। में तोड़ दीजिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये आपका आ जाएगा 16, या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अब देखो वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 36 और 25 आपका कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, -10y इक्वल टू 25 माइनस 6y, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, वाई को इस तरफ ले आइए या फिर 10 को उस तरफ ले आइए, 60 माइनस 61 माइनस 25 इक्वल टू 6y माइनस 6y प्लस 10y, ठीक है। 10 में से 6 गया आपका, 4y बचेगा, 4y इक्वल टू आपका आ जाएगा, 25 में से 61 जाएगा तो आपका 6 5 11 3 2 5 1 6 और 16 9 25, ये आपका बच जाएगा 36, ठीक है। तो वाई का वैल्यू क्या आ गया आपका, 9 आ गया। हमने पॉइंट क्या माने थे, 0 और y, तो पॉइंट आपका बन जाएगा 0 और 9। आ गया ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर, ठीक है। सीधा पुट करके भी देख सकते थे कि 6 5 से, लेकिन चार ऑप्शन, चार बार आपको पुट करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। 6 माइनस 0 5 माइनस 9 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसे हम मान लेते हैं x2 y2, इसे मान लेते हैं x3 y3, इसे हम मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, क्या हमने ये सीखा कि अगर दो बिंदु हो ए और बी, इसका पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, इसका x2 y2 हो, तो ए बी का जो स्क्वायर होगा ना, वो आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस होगा, अगर ये डिस्टेंस निकालना तो ये अंडर रूट हो जाएगा ए बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, यदि बिंदु x2 -3 4 7 5 संरेखी हो, संरेखी मतलब कि एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में हो,
तो एक्स का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर कंसेप्ट है, सीधा हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया है, मतलब एक ही लाइन में है, मान लो कि तीनों अलग अलग तल में है, तो देखिए जो ट्रायंगल बनेगा ना उसका कोई ना कोई आपका क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, लेकिन अगर एक ही लाइन में है तो ट्रायंगल का कोई भी एरिया नहीं होगा वो, इसका ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए तीनों एक ही लाइन में है तो इसका मतलब कि जो ट्रायंगल बनेगा, एरिया जो बनेगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या होगा? जीरो होगा वो। अब अगर तीन पॉइंट दिया हुआ हो, ठीक है ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, जो कि यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में आप देख सकते हो, तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ए दिया हुआ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, संरेखी हो तो, तीन नहीं होगा ठीक है ना, तो एक्स का मान क्या होगा? देखिए तीन बिंदु से ही हमारा ट्रायंगल बनता है, तो एरिया जो बनेगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो होता है हाफ, 1 2 3 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए आप, ठीक है ना, और ये जो एरिया है वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, इसलिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर दोनों तरफ मोड लगा रहा हूँ, मोड मतलब मोड के अंदर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और आ जाएगा x3 y1 - y2। ठीक है, देखिए 1 2 3 शिफ्ट करते जाइए, इस तरफ शिफ्ट करते जाइए, 2 3 1, इसको इस तरफ शिफ्ट कीजिए तो 3 1 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू जीरो आता है, जिसका मतलब कि जो एरिया है ना ट्रायंगल का वो जीरो है, और तीनों जो पॉइंट है वो एक लाइन में है, वो एक समतल पर है। ठीक है, तो पुट करके देख लेते हैं, अगर अच्छा प्रश्न में ही दिया हुआ संरेखीय है, इसका मतलब एरिया क्या होगा आपका? जीरो होगा, पुट कर दीजिए सीधा मोड में, x1 का वैल्यू x ही दिया हुआ है, ठीक है, y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? y2 आपका ये रहा -4, ठीक है, ये मोड का भी अगर -4 माइनस y3 का वैल्यू क्या? -5, माइनस करके -5 हम करेंगे। ठीक है, प्लस x2 का वैल्यू आपका -3 है, तो प्लस की जगह मैं माइनस ही लिख देता हूँ, -3, और ये आपका क्या आ जाएगा? y3 का वैल्यू क्या आपका? -5, -5, और y1 का वैल्यू आपका 2, ठीक है, -2, प्लस x3 का वैल्यू है 7, 7, y1 का वैल्यू कितना आपका? 2, और y2 का वैल्यू आपका -4, तो माइनस माइनस क्या कर लेता हूँ आपका? प्लस कर देता हूँ, प्लस हो गया वो, ठीक है, मोड में है आपका, ये इक्वल टू हाफ कितना हो जाएगा? एक्स, ये आपका आ जाएगा -4, ये आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है, -3, ये आपका आ जाएगा -7, +7 इंटू आ जाएगा 6। ठीक है, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, ये आपका बनेगा एक्स प्लस 21 प्लस 42, ठीक है, इक्वल टू है 0, ठीक है ना, तो ये तो 0 है, तो ये भी सब उस तरफ होकर के 0 चला गया, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या बनेगा? -63। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, एक्स का पॉइंट आ जाएगा आपका -63, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, पता चल गया, इसमें मैंने आपको क्या बताया? फॉर्मूला बताया, अगर तीन पॉइंट दिया हुआ हो और तीनों अलग अलग तल में हो, तो एरिया जो होगा ना वो ट्रायंगल का, त्रिभुज का कुछ ना कुछ एरिया बनेगा, और अगर एक ही पॉइंट हो तो ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा? वो जीरो बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला बता दिया आपको, ये आप लिख लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसी रैखिक समीकरण के हल तीन पॉइंट दिया हुआ हो तो रैखिक समीकरण का रूप क्या होगा? देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, बस देख कर ही बन जाएगा, जो एक्स है ना उसका उल्टा वाई है वो, एक्स इक्वल टू ऐसा लिख दीजिए, वाई इक्वल टू -x है, यही है ना, अगर वाई 2 है तो एक्स क्या है? -2 है वो, 0 है तो 0 है वो, ठीक है, वाई ये कितना है? -2 है, तो एक्स क्या है? 2 है वो, तो वाई इक्वल टू -x बन जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आसान प्रश्न भी होते हैं, ऐसा नहीं कि कठिन प्रश्न ही रहता। देखिए नियामक है, वाई नियामक पूछ रहा है, बिंदु आपका दिया हुआ है 4 - 5, इसका मतलब ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है ना, एक्स को हम बोलते हैं अवशिषा, ए बी
एफ सी सा ए बी एस सी आई डबल एस ए, और वाई को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करूं तो एक्स इक्वल टू मैं चार अगर बोलूं तो 1 2 3 4, ये डिस्टेंस आपका वाई एक्सिस से है, तो ये आपका हो जाएगा एबसिस्सा, ठीक है ना। ये चार आपका आ गया, और वाई इक्वल टू -5 है तो 1 2 3 4 5, ये -5 आया। तो ये देखिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, इसको बोलूँगा ऑर्डिनेट, ठीक है। तो वाई का नियामक पूछा है, वाई का नियामक -5 है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट में बता दिया आपको, रैखिक समीकरण को ग्राफ पेपर पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। रैखिक समीकरण है, एक्स -4 इक्वल टू है 0, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, इसको प्रदर्शित कर दीजिए ग्राफ पर, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ से ये वाली लाइन जाएगी, एक सरल रेखा द्वारा इसको हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए बी तथा सी, और ट्रायंगल के मध्य केंद्रक का नियामक क्या होगा। देखिए तीनों मिलाकर ना एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ए क्या है -1 0 है, बी है आपका 5 -2, और सी है 8 और 2। पूछा क्या है, केंद्रक, मध्य केंद्रक पूछा है, तो ये पॉइंट अगर निकालना है ना तो सभी को एक्स लो, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम, यहाँ पर एक्स होगा और कुछ ना कुछ वाई होगा, ठीक है। तो अगर एक्स निकालना है तो सभी एक्स को देखिए आप, क्या क्या है, -1 है, 5 है और 8 है, वो सभी को जोड़ दीजिए और डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, तो 8 5 13, 13 में से एक गया, 12/3, एक्स आ गया 4, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही सही हो गया। लेकिन वाई भी देख लेते हैं, क्या पता कोई नहीं आ जाए। वाई अगर निकालना है तो सभी का वाई देखिए, 0 इसमें वाई आ गया -2, इसमें वाई आ गया +2 डिवाइडेड बाई 3, तो 0/3 क्या आ गया आपका 0, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। इसमें हमने क्या सीखा, केंद्रक, ट्रायंगल, त्रिभुज का केंद्रक निकालने का तरीका, अगर 3 पॉइंट दिया हुआ हो तो, ठीक है। तीनों को जोड़ करके अगर एक्स निकालना है तो तीनों एक्स को जोड़ के 3 से डिवाइड कीजिए, वाई निकालना है तो तीनों वाई को जोड़ करके 1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 बिंदु फिर दिया हुआ, समानांतर चतुर्भुज है ये। अब देखिए 4 बिंदु दिया हुआ, ठीक है ना। समानांतर चतुर्भुज कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो समानांतर चतुर्भुज होता है आपका ये, आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं मान लूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष उसी क्रम में होते, पी का मान क्या होगा, यहाँ पर एक पी दिया हुआ है, ये निकालना है हमने। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर बोल सकते हैं, डी सी की जगह सी डी स्क्वायर कर देते हैं, लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने सी डी क्यों लिया, क्योंकि डी में पॉइंट पी छुपा हुआ है, ठीक है। अब ए पॉइंट में लिख देता हूँ, ये है आपका 6 1, ठीक है, बी है आपका 8 2, सी है आपका 9 4 और डी है आपका P3, ठीक है। ए बी निकालना है, ए बी निकालना, तो हम क्या करेंगे, बाई x2 - x1 करते हैं। ए बी अगर निकालना है हमने तो आपका P तो एक ही जगह दिया हुआ है ना, चलिए ए बी निकाल लेते हैं, क्या आ जाए आपका y2 x2 - x1 8 - 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू सी डी निकालना है, सी रहा ही है, डी रहा ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p - 9 का स्क्वायर प्लस और 3 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर। 8 में से 6 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये आपका बन जाएगा pa² प्लस b² - 2ab, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये बन जाएगा 3 - 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल से ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ऐसा करते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, P
पी माइनस नाइन का स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस वन। ठीक है, अब देखते हैं पी माइनस नाइन का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक से एक तो उड़ गया, चार आ गया, पी माइनस नाइन इक्वल टू अंडर रूट चार आ गया, वो प्लस माइनस टू आ जाएगा। वो प्लस माइनस टू क्यों आएगा, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी दो होता है और माइनस का स्क्वायर भी दो ही होता है। इसका मतलब कि पी माइनस नाइन इक्वल टू एक बार प्लस टू आ जाएगा और पी माइनस नाइन एक बार माइनस टू आ जाएगा। यहाँ से पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11, और यहाँ से पी इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक है, इसका मतलब कि पी का मान क्या होगा, 7 या 11 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, दो बिंदु कहाँ अवस्थित हैं, देख लीजिए इसको, ऑप्शन देख लीजिए। दो बिंदु को हम ड्रॉ ही कर देते हैं, ये लो, फिर आसान से पता चल जाएगा, ये है एक्स ये है वाई, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, देख कर ही पता चल रहा है ये एक्स है ये वाई है, एक्स है 3 वाई है 2, ये आपका यहाँ पर है। ठीक है, पहला बिंदु हो गया 3 और 2, दूसरा बिंदु -3 और 2, ये आपका, सॉरी -3, एक्स है -3, ये रहा -3 और वाई है 2, ये रहा, यहाँ गया -3 और 2। तो कहाँ अस्थित है देख लीजिए, एक्स अक्ष पर है, नहीं, एक्स अक्ष के दोनों ओर है, नहीं, वाई अक्ष के दोनों ओर है, एक्स अक्ष पर है, नहीं, एक्स अक्ष के एक ओर है, एक्स अक्ष के एक ओर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंपल था ये। रैखिक समीकरण द्वारा कौन सा बिंदु निरूपित होता है, एक्स बराबर वाई, यानी कि जो मान एक्स का होगा वही क्या होगा, वाई का होगा। तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। एक्स जीरो किस अक्ष का निर्देशांक है, एक्स और जीरो, तो एक्स तो एक्स आ ही गया, वो इसका मतलब कि यही आपका है, एक्स जीरो यही अक्ष बन जाएगा ना, कहीं भी चले जाओ एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप, तो आपका एक्स अक्ष ही आ जाएगा वो। ठीक है, एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, और एक्स का तो एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष का ही ये निर्देशांक दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही होता है। एक्स अक्ष का वह बिंदु क्या है जो इससे और इससे समदूरस्थ है, आ गया, ये मैं बता चुका हूँ, आप चाहो तो बना सकते हो, इसे मैं स्किप भी कर सकता हूँ, क्योंकि दो पॉइंट दिया हुआ, मैं तीसरा पॉइंट मान लेता हूँ आपका, कि एक्स और जीरो है जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, बस निकाल दीजिए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, इसे मैं मान लेता हूँ, इसे मैं मान लेता हूँ ए, इसे बी, इसे सी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर अगर हम निकालें तो क्या बनेगा आपका, इसे मैं एक्स वन एक्स टू, इसे एक्स वन वाई वन मान लेता हूँ, एक्स टू बाई टू, एक्स थ्री बाई थ्री, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे हम। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो, लो मैं उल्टा कर देता हूँ, 6 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 बन जाएगा, वह जीरो का तो कोई मतलब नहीं रहता, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 36 बन जाएगा आपका। सॉल्व कीजिए, 36 से 36 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा वो। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से भी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया -12x, ये इधर आ गया वो, प्लस 9 इक्वल टू 9 भी कैंसिल आउट हो गया आपका, ये लो, तो क्या बचा, -12x इक्वल टू -6x। ठीक है, तो 6 दूना -2 भी कैंसिल आउट हो गया, 6 दूना 12x भी, x इक्वल टू क्या आ गया आपका, वो 0 आ गया वो। ठीक है ना, तो ऑप्शन देख लेते हैं, जो समदुरस्त है, x इक्वल टू 0 आ गया, तो हमने पॉइंट क्या माना था, एक्स अक्ष पर वह माना था, तो एक्स अक्ष पर मतलब क्या होता है, एक्स का तो एक्स ही रहेगा और वाई का वैल्यू क्या होता है, एक्स अक्ष पर 0 होता है, तो एक्स भी 0 आ गया और वाई तो 0 था ही, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, ये पॉइंट हमने एक्स 0 क्यों माना था, क्योंकि ये पूछ रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु कौन सा है, एक्स अक्ष पर तो एक्स का वैल्यू एक्स ही रहता है लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, इसलिए ये वाला पॉइंट हमने माना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
किस चतुर्दांश में होगा? देखिए चार चतुर्दांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। इसको इसको ड्रॉ कीजिए। एक्स का वैल्यू -3 है, ये आपका -3 इधर आ जाएगा, वो ये एक्स इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, तो ये माइनस में आ गया वो, और वाई प्लस में है, तो इसका मतलब कि इस पॉइंट में आएगा, इस चतुर्दांश में आएगा, तो दूसरे चतुर्दांश में आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस में होता है, ये माइनस में, ये भी प्लस में होता है, ये माइनस में, ठीक है। इस चतुर्दांश में जाए तो प्लस प्लस, इस चतुर्दांश में जाए तो एक्स माइनस हो जाएगा वाई प्लस, इस माइनस दोनों माइनस हो जाएगा वो, इस चतुर्दांश में एक्स प्लस हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, देखिए आ गया रिवीजन आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तीन बिंदु दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला बताया है, क्या होता है, ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, क्या बताया मैंने, हाफ, 1 2 3 को लेफ्ट साइड खिसकाते जाइए एक्स वाई के फॉर्म में, ठीक है। X1, Y2 माइनस Y3, क्या फिर क्या था, फिर X2, Y3 माइनस Y1 प्लस X3, Y1 माइनस Y2, ठीक है। ये इसको पॉइंट को 1 2 3 को इस तरफ खिसकाते जाना है बस, ठीक है। 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, ठीक है, बस पुट कर दीजिए। ये आपका हो गया X1 Y1, ये हो गया X2 Y2, ये आपका हो गया X3 Y3, बस इतना पुट कर दीजिए, आ जाएगा ऑप्शन। अगर ये तीनों पॉइंट आपके एक सरल रेखा में होते तो एरिया क्या होता आपका, 0 आ जाता, ठीक है। पुट करते देखिए, X1 का वैल्यू है 6, Y2 का वैल्यू है 0, Y3 का वैल्यू है -8, ठीक है। X2 का वैल्यू है 4, देखते जाइए आप, Y3 का वैल्यू है 8, Y1 का वैल्यू है 0, ठीक है। प्लस X3 का वैल्यू है 16, Y1 का वैल्यू है 0, Y2 का भी वैल्यू क्या है, 0 है, बस सिंपल है, बन गया 1 बाई 2, ये आपका हो जाएगा -48 प्लस 32, और वो तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो 32 में से 48 गया, क्या बचेगा आपका, 1 बाई 2, मोड में है, ये ध्यान रहे आपका, ये मोड में है। अगर मोड में है और इसका मतलब कि इसके अंदर कोई नेगेटिव आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में बदल जाएगा वो, ठीक है। ऐसे ये देखो यहाँ पर -16 आ रहा है, ठीक है, और ये मोड में है तो ये सीधा 16/2 बन जाएगा, यानी कि 8 वर्ग इकाई, जो आपका एरिया होता है ना वो आपका वर्ग में होता है, वो 8 वर्ग इकाई, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। मूल बिंदु के नियामक कौन है? मूल बिंदु क्या होता है आपका, ये जो है ना ये वाला, ये होता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु पर क्या होता है, एक्स भी 0 होता है और वाई भी क्या होता है, 0, तो आपका ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यदि बिंदु ए बी सी तीन दिया हुआ है द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्र इतना है तो एक्स वाई निकालिए। देखिए त्रिभुज का केंद्र मैंने निकालना सिखाया था आपको कि X1 X2 X3 को 3 से डिवाइड कीजिए तो X निकलेगा, Y1 Y2 Y3 को जोड़ के 3 से डिवाइड कीजिए तो Y निकलेगा। देखिए तीन पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। पहला है 7Y, दूसरा है 9 और 10, तीसरा है X-6, ठीक है। मैं ये पॉइंट दिया हुआ आपका 6 और 3, पूछा एक्स वाई का वैल्यू निकालो, तो पहले हम क्या निकाल लेते, इसे मैं मान लेता हूँ ये है आपका X1, ये है Y1, ठीक है। मैं X1 निकाल रहा हूँ, देखिए X1 क्या होगा, सभी X को जोड़िए, 7 प्लस X प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3, यही होगा। X1 का वैल्यू कितना, 6 इक्वल टू 9 7 16 प्लस X डिवाइडेड बाई 3, क्या जाएगा आपका, X+16 इक्वल टू 18 और X=, आ जाएगा आपका 2, ठीक है। आ गया हमारा 2 ही। अब Y निकालना है, Y का वैल्यू क्या दिया हुआ, 3, तो 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सभी Y को जोड़िए, Y-6 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो Y-Y+4 इक्वल टू हो जाएगा 6, तो Y=, आ जाएगा 2, यानी कि दोनों आपका, सॉरी मेरे ख्याल से गलत कर दिया मैंने,
बाई माइनस छः प्लस दो, अच्छा बटे तीन करना है, ठीक है, बटे तीन, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 5, तो वाई का वैल्यू आ गया आपका 5। ऑप्शन देख लेते हैं, एक्स का वैल्यू आया है 2, वाई का वैल्यू आया 5, ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, वाई का मान क्या है जिसके लिए ये और ये के बीच की दिकाई क्या हो, 10 हो। देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, पी और क्यू दिया हुआ है, पी दिया हुआ 2 माइनस 3 और क्यू दिया हुआ है 10 और 22, ठीक है। अब कह रहा वाई का मान क्या है, वाई का मान देखिए, वाई यहाँ पर दिया हुआ है जिसके लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, 10 इकाई हो, तो पी क्यू का स्क्वायर सीधा निकाल दीजिए, पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 करते हैं, ठीक है, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस -3 का होल स्क्वायर, और ये पी क्यू स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपका, 10 दिया हुआ, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, तो 64 हो जाएगा ये, प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, 100 हो जाएगा 100, 100 में से 64 गया तो क्या बचेगा आपका, 36 बचेगा, इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 36 में से 9, जो मेरे ख्याल से ये करने का ज़रूरत नहीं था, मैं बार बार आपको कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन को छोटा कीजिए, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 36, यानी कि प्लस माइनस 6, ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस 6 आ गया, तो वाई प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6 रख सकते हैं हम, और वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या रख सकते हैं, प्लस 6 भी रख सकते हैं, यहाँ से वाई इक्वल टू आ जाएगा -9, यहाँ से वाई इक्वल टू आ जाएगा 3, तो वाई का वैल्यू ऑप्शन देख लेते हैं पहले यार, वाई का वैल्यू -9 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, का ग्राफ कैसा होगा, एक समीकरण दिया हुआ है इसका ग्राफ निकालना है, ऑप्शन देख लीजिए, देखिए ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका क्या है, कैसे पता करोगे कि ग्राफ क्या कैसा बनेगा, ये एक्स है ये वाई है। देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें दो ही लाइन चाहिए होता है, ठीक है, वो दो लाइन हम कैसे प्राप्त करेंगे, पहले क्या करेंगे, वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, फिर एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, बस यही करना है, ठीक है ना। देखिए वाई इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू आ गया 2.5, ठीक है, 1 2 3 4, 2.5 आ गया, 1 2 3 4, आपका ग्राफ का एक पॉइंट बन गया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वाई वाई इक्वल टू 0 तो कर दिया, अब एक्स इक्वल टू 0 करता हूँ तो क्या बनेगा, 3y इक्वल टू 5, और वाई इक्वल टू आ जाएगा 5/3, यानी कि 1.666, ऐसे आएगा वो, ठीक है, तो वाई का वैल्यू 1 2 3 4, 1.66 यहाँ आएगा वो, तो ग्राफ कैसा बन रहा है आप देख सकते हो, एक सरल रेखा बनेगा वो, दोनों पॉइंट पे मिला दीजिए, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम पाद में, दूसरे पाद में, तीसरे पाद में, चतुर्थांश को पाद बोलते हैं। देखिए एक्स, ये है एक्स और ये है वाई, दोनों प्लस प्लस में है, प्लस हो जाता है ये, प्लस हो जाता है ये, माइनस है माइनस, पहले में एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है, एक्स इसमें माइनस होता है, वाई क्या होता है प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है, एक्स इसमें माइनस होता है, एक्स इसमें प्लस होता है, वाई माइनस होता है, तो 4 और 5 इसमें आएगा, पहले पाद में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो बिंदु दिया हुआ, मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु क्या होगा, देखिए ये पी दिया हुआ है, ये क्यू दिया हुआ है, ये -2 है, 8 है, ठीक है, ये आपका -6 है और ये -4 है। मध्य बिंदु का मतलब क्या है, दोनों का बीच का पॉइंट, इसको ग्राफ से अगर हम समझें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि बीच का पॉइंट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका -6 हुआ और ये आपका -2 हुआ, तो दोनों के बीच का पॉइंट अगर निकालना हो तो क्या होगा, देखिए 2 पॉइंट इधर गया 2 पॉइंट इधर गया, ये बीच का पॉइंट आया कितना आया, ये -4 आया, तो अगर इन दोनों को जोड़ के भी 2 से डिवाइड कर दें तब भी 4 ही आएगा, क्या x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6 -4 डिवाइडेड बाई 2 -10 डिवाइडेड बाई,
यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये आपका -8/2 -4 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू देखें क्या है, 8 है और -4 है, ठीक है ना, 8 है और -4 है, तो 8 अगर हम चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और -4 1 2 3 -4, इन दोनों के बीच का पॉइंट है, तो अगर दोनों को जोड़ के हम डिवाइड कर दें तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे हम 8 -4, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा, बीच वाला पॉइंट 2 बनेगा, ये बनेगा, देखिए 1 2 3 4 इधर से भी हो गया, 1 2 3 4 ऊपर से भी हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि -4 और 2 बनेगा इन दोनों के बीच का पॉइंट, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि x1/1 x2/2 x3/3 त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो इनके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, बता चुका हूँ मैं, ऑप्शन डी है, ठीक है। तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कीजिए, y1 y2 y3 को जोड़ करके भी 3 से डिवाइड कीजिए, यही ना था जी, ये आपका x1 y1 था, ये x2 y2 था, ये x3 y3 था, ठीक है, और ये x यहाँ पर निकालना था, y निकालना था, तो x निकालना है तो तीनों x को जोड़ दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, y निकालना है तो तीनों y को जोड़ दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर है। ए अच्छा, यहाँ पर कंसेप्ट समझने वाला आपका आ जाता है, ठीक है, थोड़ा इसमें टाइम लूँगा, उसके बाद फटाफट प्रश्न निकलेगा, पहले इसको समझ लेते हैं, ऑप्शन हटा देता हूँ, ठीक है, समझिए इसको। देखिए दो पॉइंट हैं, ए है और बी है, ठीक है, ए और बी के निर्देशांक क्रमशः इतना और इतना है, ठीक है। ए का क्या है आपका, 1 है और 2 है, बी का है 2 और 3, इसे मान लीजिए x1 y1, इसे मान लीजिए x2 y2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा दे दीजिए तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में ही रहता है हमेशा, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। यदि पी रेखाखंड इस प्रकार है, इन दोनों के बीच में ना एक पी है, ये आपका लाइन दोनों के बीच का बन गया, और बीच में कहीं भी मैं मान लेता हूँ ये पी है, ठीक है, पी इस प्रकार है कि AP/PB 4/3 है, AP अगर 4 है तो PB 3 है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जो रेशियो है ना, इसे हम एम रेशियो एन मान कर चलते हैं, कुछ भी मान सकते हो लेकिन जनरल फॉर्मूला जो है ना उसमें हम एम और एन मान कर चलते हैं, तो एम और एन का रेशियो वो 4:3 का, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, एम रेशियो एन जो है वो 4:3 का है। अब क्या कह रहा है, तो पी का निर्देशांक क्या है, अब देखिए, अब ये जो पी है ना आपका, इसमें निर्देशांक पूछ रहा है, इसका मतलब कि इसमें एक्स भी होगा और वाई होगा, इस पॉइंट का पूछ रहा है वो, तो देखिए यहाँ से अगर एक्स निकालना हो तो क्या करेंगे हम, x1 यहाँ है, x2 यहाँ है, ठीक है, अलग से ही बता देता हूँ, अगर एक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, एम और एन दिया हुआ है, x2 और x1 दिया हुआ है, तो एक्स निकालना है तो m x2 + n x1/m + n होता है, और वाई निकालना हो तो m y2 + n y1/m + n होता है, बस ये फॉर्मूला है, ठीक है, m को x2 से गुना करना है, अपोजिट वाले से, ठीक है ना, और n को x1 से गुना करना, बस कर दीजिए, m का वैल्यू कितना, 4 × 2 + कितना हो जाएगा, n का वैल्यू है आपका 3 × 1/m + n आपका हो जाएगा 7, और 4 × 2 = 8 × 3 = 11/7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से y का वैल्यू निकाल लीजिए, m/2 4 × 3 + n का वैल्यू है 3 × y1 आपका 2 है, ÷7 आ जाएगा, तो 4 × 3 = 12, 12 × 6 = 18, 18/7, ऑप्शन देख लीजिए, 11/7 और 18/7, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है, पता चल गया। अगर कोई दो पॉइंट है, बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जो उसको m और n रेशियो में काट रहा है, तो x इस तरीके से निकाल सकते हैं, y इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, याद रखिए, आगे प्रश्न आएगा जो अब मैं आपको बनाने के लिए बोलूँगा। दो बिंदु दिया हुआ है,
को मिलाने वाली रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में काटेगी? देखिए, यह है आपका ए और यह है आपका बी, यह आपका -3 -4 और ये भी है आपका 1 और 2। ठीक है, क्या कह रहा है? वाई अक्ष किस अनुपात में काटेगी? वाई अक्ष अगर काटेगी तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। वो मानो पी पॉइंट पर काटती है तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और वाई अक्ष पर जो काटेगा वो वाई का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका वही लाइन बन गया। देखिए ध्यान से, तो मान लो कि ये के अनुपात 1 में काटती है। किस अनुपात में काटती है तो हम के अनुपात 1 में मानेंगे, क्योंकि एम और एन में मानोगे तो 2 इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है ना, तो 1 तो ही हमें के सिर्फ पता करना है और 0 तो है ही क्योंकि ये वाई अक्ष को काटता है, तो हमें सिर्फ वाई निकालना रह गया। ठीक है ना, माना वाई अक्ष जो है ना बिंदु पी पर रेखाखंड ए बी को के रेशियो 1 में काटता है, तो वाई हम तो यहाँ पर से देखो हम क्या निकाल, 0 निकालना बेहतर होगा या वाई निकालना बेहतर होगा? क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है? ये एक्स है, एक्स का वैल्यू 0 है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? एम एक्स टू के एम, ये आपका एम हो गया, ये आपका एम हो गया, ये आपका एन हो गया, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, यही फॉर्मूला था। तो एम का वैल्यू आपका के आ गया, वो एक्स टू का वैल्यू 1 है, प्लस एन का वैल्यू 1 है और एक्स वन का वैल्यू कितना आपका? -3 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 0, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है? 0। यहाँ से लिख सकते हैं के -3 डिवाइडेड बाई के प्लस 1, तो ये तो टोटल उधर 0 से जाके सब 0 ही हो जाएगा, तो के -3 इक्वल टू आ जाएगा 0 और के का वैल्यू आ गया 3। तो इसका मतलब कि के रेशियो 1 में काट रहा था, के रेशियो 1 में ना जी, तो के का वैल्यू आ गया 3, तो किस रेशियो में काटेगा? 3:1 में काटेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक है क्या होगा? ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब कह रहा है कि इस अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, तो इस अक्ष पर अगर हम जाएं तो एक्स का वैल्यू क्या होगा आपका? हमेशा 0 होगा और y का वैल्यू y होगा, तो निर्देशांक क्या बनेगा? 0 y, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है? अभी मैं बताया हूँ, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लीजिए, कोई पॉइंट मान लीजिए, मान लीजिए पॉइंट है 2 और 3 है, तो 1 और 2, ये आपका 1 2 3। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा आपका? 3 ही होगा, ये वाला पॉइंट, ये दूरी जो है ना वो आपका एक्स अक्ष से है, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है आपका? एवस हिस्सा, अभी बताया मैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एक्स अक्ष से दूरी आपका कोटि कहते हैं हम उसको, एवस हिस्सा कहा जाता है। एक बार फिर से अगर देखो ध्यान से, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, एक्स अक्ष आपका हो गया ये और इससे डिस्टेंस आपका ये आ गया। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी कहलाएगा आपका कोटि, जिसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में एवस हिस्सा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रैखिक समीकरण। एक मिनट, इसमें मेरे ख्याल से गड़बड़ हो रहा है। एवस हिस्सा आपका होता है एक्स अक्ष से दूरी, सॉरी गलत कर दिया, फिर से समझिए। देखिए ये पॉइंट है ना आपका, पॉइंट ये है, ये आपका पॉइंट है एक्स 2 y है 3। एक बार समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए दो डिस्टेंस है, दो जो है ना वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है और y जो है वो y एक्सिस, 3 जो है y एक्सिस से डिस्टेंस, ये 3 है, सॉरी ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, कन्फ्यूजन इसमें है लेकिन मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जो 2 है वो आपका क्या है? x है और 3 जो है वो y है। वो तो दो जो डिस्टेंस है ना वो आपका ये वाला डिस्टेंस है, तो हम किससे मेजर कर रहे हैं? y एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और 3 जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस पर, ये 3 है आपका। ठीक है, नहीं, इसमें हम कैसे मेजर कर रहे हैं? एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। तो
तो जो हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं ना, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स अक्ष से दूरी जो हो गया ना, वो आपका हो गया ऑर्डिनेट। और जो वाई अक्ष से दूरी है उसे हम बोलते हैं अवशिष्टा। ठीक है, तो ऑर्डिनेट को हम बोलते हैं आपका क्या, एक्स अक्ष से दूरी पूछा, एक्स अक्ष से दूरी आपका ही ऑर्डिनेट हो गया, इसे हम बोल लेंगे कोटि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण x प्लस वाई का आलेख कैसा होगा, अभी मैं बताया हूँ जस्ट, आपका ये सरल रेखा होगा। वो एक बार x को 0 पुट कीजिए तो y इक्वल टू 10 आ जाएगा, y को 0 पुट कीजिए तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मिला दीजिए, एक सरल रेखा बनेगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। यदि एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तीनों जो पॉइंट है ना, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो पी का मान क्या होगा। वो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्या गुण होता है कि तीनों साइड इसका आपस में बराबर होता है। वो तो मान लेता हूँ ये साइड ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ए है आपका 0 0, बी है आपका 3√3 और सी है आपका क्या 3p। अब देखिए, तो पी का वैल्यू पूछा है, पी को आना चाहिए, तीनों साइड आपस में क्या है इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है। तो हम किन्हीं दो भुजा को लेंगे ना, मान लो कि हम ले लेते हैं ए बी और बी सी स्क्वायर, डिस्टेंस बराबर कर देता हूँ मैं क्योंकि साइड क्या है बराबर है, तो ए बी और बी सी ले लेता हूँ, बी सी आपका नीचे वाला आ जाएगा, ए बी और बी सी इन दोनों का डिस्टेंस बराबर कीजिए, ए बी क्या आ जाएगा आपका 0 -3 का स्क्वायर प्लस 0 -√3 का स्क्वायर, 0 ले लिया हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। ठीक है, और बी सी कितना आ जाएगा आपका, बी सी आपका ये रहा, बी सी निकाल लीजिए, 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -p का स्क्वायर, p ही निकालना है, ये आपका आ जाएगा 3 √3 आ जाएगा ना आपका, ये आपका आ जाएगा 9, ये आपका आ जाएगा +3, ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा वो, और ये a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√3p। ठीक है, स्क्वायर का गड़बड़ कर देता है यहाँ पर, बस यही दिक्कत है, इसे आगे बढ़ाते हैं। ये आपका बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2√3p और 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 9 माइनस में आ जाएगा इधर इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब यही दिक्कत हो जाएगा आपको, या तो ऑप्शन से चल लेते हैं, ऑप्शन से चलिए, क्या पी का वैल्यू क्या पुट करूँ ताकि 0 हो जाए, 3√3 पुट करूँ यहाँ पे, 3√3 पहले एक पुट करके देखते हैं, तो 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट में आ रहा है। अगर मैं √3 पुट करके देखूँ, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पुट करके देखिए क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2√3p माइनस 9, 0 आ जाना चाहिए। मैं ये पुट करता हूँ -√3 का होल स्क्वायर -2√3 -√3 -9। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 × 6 -9 आ गया 0, इसका मतलब कि ऑप्शन ये आपका ये सही है। अब अगर मैं 3√3 भी पुट करूं तो भी आपका 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 3√3 -9, ये आपका अब क्या बन जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 माइनस 3 × 2 = 18 -9, 18 × 9 कितना हो गया 27, 27 माइनस 27 आपका आ गया 0। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से भी बना सकते हो, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदु किस पाद में स्थित है, सिंपल है, आप बता सकते हो, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होगा, ये आपका प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, तो एक प्लस में है, एक्स क्या है, एक्स जो है वो प्लस में है और वाई क्या है माइनस में है, तो आपका इस पाद में आ जाएगा वो। ठीक है, चौथे पाद में आ जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। ए और बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, ए बी परपेंडिकुलर टू वाई अक्ष। ठीक है, ए है आपका, देखो यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ए आपका है 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। ए है तीन और चार, तीन हो गया और ये चार हो गया, ठीक है। बी है -5 और चार, -5 और चार, ठीक है। कौन सा सत्य होगा आपका? ये वाला ये लाइन बन गया आपका ये, ठीक है। ए बी पैरेलल है एक्स अक्ष के, ये एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया ए बी, पैरेलल है, हाँ सही है। बस आगे ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर है वाई अक्ष के, गलत है। ए बी पैरेलल है वाई अक्ष के, गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। बिंदु 3 2 और -3 2 अवस्थित है, ड्रॉ कर लीजिए सीधा, दिख रहा है आपको एक्स का ही फर्क है वो, एक एक्सिस में 3 और 2 आ जाएगा, दूसरा इसमें -3 और 2 आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के एक और स्थित है ऊपर की तरफ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। सिंपल प्रश्न है, बस एक दो प्रश्न होता है जो कि पॉइंट मेकिंग होता है, जो लोग उसको बनाते हैं बस वही एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? अभी मैं बताया हूँ इसको कहते हैं, देखिए एबसिसा और ऑर्डिनेट, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। यह है आपका ग्राफ, यह है एक्स और यू एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, ठीक है। कोई पॉइंट मैं ले लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं ले लेता हूँ 27 और 13 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 27 जो है ना वो एक्स एक्सिस पर है, वो 27 एक्स एक्सिस पर है, 1 2 3 4 5 इस तरह 27 आएगा यहाँ पर। तो इसका जो डिस्टेंस है ना वो एक्स एक्सिस से हम माप रहे हैं, 27 आपका ये हो गया, ठीक है। और 13 क्या है, वो वाई एक्सिस पर है, 1 2 3 4 ऐसे हम चलते चले जाएंगे ना, तो यहाँ पर 13 आएगा वो। तो 13 जो है ना वो आपका ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, तो जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एबसिस्सा, ठीक है। यहाँ पर आपका भुज होगा वो, ठीक है। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक को हमको बोलते हैं क्या? भुज बोलते हैं हम, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, ठीक है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को हम लोग भुज बोलते हैं, वाई एक्सिस से डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। समझ में आ गया एबसिस्सा और ऑर्डिनेट, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका, बिंदु के -4 से गुजरने वाली कोई रेखा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के क्रमशः इतना पर काटे तो के का मान क्या होगा? देखिए दो बिंदु है, मैं कोई दो बिंदु मान लेता हूँ आपका, एक ए है एक बी है, समझने वाला है। ए को मैं मान लेता हूँ 1 0, बी को मान लेता हूँ 0 2, प्रश्न में दिया हुआ है। अब बिंदु जो ये है ना आपका, वो इस इन दोनों की लाइन से गुजरती है ये, ठीक है। ये मैं लाइन मान लेता हूँ, ये आपका लाइन हो गया, तो के का मान पूछ रहा है वो। देखिए समीकरण का वैल्यू क्या होता है, इसे मैं मान लेता हूँ x1 y1 x2 y2, कोई भी लीनियर इक्वेशन है, तो y इक्वल टू mx+c लिखते हैं हम। एम जहाँ पर इसको स्लोप बोला जाता है, SLOP, ढाल जिसको हम बोलते हैं। स्लोप का वैल्यू क्या होता है आपका? स्लोप का वैल्यू होता है आपका y2 - y1 x2 - x1, ये आपका स्लोप होता है वो, ठीक है। और x और y आपका कोऑर्डिनेट में आ ही जाता है वो, ठीक है। अगर x1 और y1 भी दिया हो तो इसमें भी हम माइनस कर देते हैं, y की जगह आपका आ जाएगा y - y1 इक्वल टू mx - x1 आ जाता, प्लस सी कोई कॉपी कांस्टेंट दिया हुआ हो तो x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका यूज कीजिए निकल जाएगा, सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0 है, बस इसका यूज कीजिए आपका निकल जाएगा, ठीक है। एम का वैल्यू भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये y - y1 / x - x1, और ये एम रह जाएगा इस तरफ, एम का वैल्यू क्या है y2 - y1 और x2 - x1, बस पुट कर दीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा y - 0 x - 1, ठीक है। x1 y1 ये आपका रहा, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 2 - 0, ये बन जाएगा 0 - 1। x2 कितना है? 0 है। x1 कितना है? 1 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा y/x - 1 इक्वल टू -2 आ जाएगा,
ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। हमने निकालना है किसका वैल्यू, के का। अब देखिए यहाँ पर से आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या फिर माइनस, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2x + 2 इक्वल टू वाई। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से 2x + y इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, इसको उस तरफ ले गए, 2 ऐसे ही रह गया आपका। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशन ये बन गया हमारा, ये बन गया, ठीक है ना, 2x - y इक्वल टू 2। अब क्या कह रहा है, बिंदु के माइनस 4 से गुजरने वाली कोई रेखा x तथा y को इतने पर काट, इसका मतलब कि इस बिंदु से ये वाली रेखा गुजरती है। ठीक है, ये वाली रेखा क्या हो रही है, गुजर रही है, जहाँ पर x का वैल्यू क्या है, k है, और y का वैल्यू -4 है। तो पुट कर दीजिए, 2x - 4 है, यहाँ पर x की जगह k है, y की जगह -4 पुट कीजिए, तो -4 - 4 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, इक्वल टू 2। तो 2 के इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2 के इक्वल टू आपका आ जाएगा 2x। अच्छा, ये प्लस में आया है ना, प्लस में आया, प्लस में है, ठीक है, मैं गलत लिख गया, ये आपका प्लस में है। ठीक है, तो 2k - 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा वो, और 2k इक्वल टू आपका हो जाएगा 6, और k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, एक बार फिर से समझ लीजिए, पूरा मैं मिटा देता हूँ। अगर x1 y1 x2 y2 दिया हुआ हो, तो इससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं y इक्वल टू mx + c से। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ तब y - y1 इक्वल टू mx - x1 + c हो जाएगा, जहाँ m इक्वल टू होता आपका y2 - y1 / x2 - x1। ये समीकरण का इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, आशा आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक ही अंत बिंदु वाली दो किरणों से बनी आकृति क्या कहलाती है। एक ही अंत बिंदु वाली दो किरण, एक किरण ये है, एक किरण ये है, और दोनों का अंत बिंदु एक ही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, रैखिक समीकरण का लेख कैसा होगा, सिंपल है आपका, एक सरल रेखा होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। y का वह मान क्या है जिसके लिए, ये आप बनाओ, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन से ही बना सकते हो आप, इस तरह के क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए मैं फिर ही बना देता हूँ, इसका मान लो कि बीच का कोई पॉइंट है। पहले प्रश्न क्या है, देखिए y का मान क्या है जिसके लिए इन दोनों के बीच की दूरी 10 है, ये P है आपका 2 - 3, और ये Q है 10 - 10 है, और Y। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो आपका 10 है, तो पूछ रहा है Y का मान क्या होगा। वो सीधा निकाल दीजिए, PQ² इक्वल टू y2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, PQ 10 दिया हुआ, तो ये 100 हो जाएगा वो, x2 - x1 कितना आपका हो गया, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा y - -3, ये +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये आपका 100 - आपका 64 हो जाएगा इक्वल टू y, ये तो मैं बता ही चुका हूँ यार, पीछे आप देख लो, ये आपका हो जाएगा y + 3 इक्वल टू √36 हो जाएगा, y + 3 इक्वल टू +-6 आएगा वो। ठीक है, तो y + 3 इक्वल टू एक बार +6 ले लो, और y + 3 इक्वल टू एक बार -6 ले लो, तो y इक्वल टू एक 3 आ जाएगा, ये 6 है -6, एक y इक्वल टू -9 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा वो। ठीक है, अगला, बिंदु K 4 से गुजरने वाली कोई रेखा, ये अभी मैं बताया हूँ, अभी बताया हूँ, जस्ट ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस यहाँ पर -4 था। आप ये बनाओ, ऑप्शन में बनाओ या फिर मैं बताऊं, ये बताऊं, आप ये ऑप्शन में बताओ, ये मैं बताया हूँ, ये था आपका प्रश्न संख्या 31 था, 31 में दिखाता हूँ आपको,
ये रहा 31, ठीक है, मैं बताया हूँ ये के माइनस फोर है और इस जो प्रश्न में दिया हुआ है वो के फोर है, सेम ही प्रश्न है, माइनस चार की जगह बस प्लस चार किया हुआ है। 35 प्रश्न में आ जाओ आप, देख लो 35 में प्लस चार किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसका ऑप्शन है आपका माइनस चार, आप ये मुझे बना करके दिखाओ कमेंट बॉक्स में, मैं क्विज में पूछूंगा जरूर, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसको ऑप्शन बी ऑप्शन सही उत्तर है, ठीक है, सी नहीं बी ऑप्शन। मैं डाटा चेंज कर दूंगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उत्तर बी रट लो, मैं डाटा चेंज करूंगा, आपके दिमाग उड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाई नियामक पूछा है वो, तो ये एक्स है ये वाई है, तो वाई वाई नियामक -5 होगा, वो क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये पूछा गया था DELED 16/9/2022 में, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, बिंदु तीन बिंदु दिया हुआ है, बनाए गए त्रिभुज का केंद्र कितना है, तो एक्स वाई निकालिए। ये भी सिंपल ही है, कई कितनी बार बताऊँ, मुझे भी अच्छा लगता है बताना ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये आपका 7y पहला बिंदु, दूसरा है x -6, तीसरा है आपका 9 और 10, ये दिया हुआ है 6 और 3, ये x है ये y है। तो अगर x निकालना तो सभी x को जोड़ के y से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी x दिख रही है, एक 7 है, एक x है, एक 9 है, तो 7 + x + 9 / 3 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 9 7 16, 16 + x = क्या आ जाएगा, 6 18, x = आ जाएगा 2। ऑप्शन देख लीजिए, x का वैल्यू आ रहा 2, बस ऑप्शन ए हो गया सही, क्योंकि x में अगर ये y निकालना है तो क्या करेंगे, 3 = सभी का y को जोड़िए, y -6 + 10, y -6 + 10 / 3 क्या हो जाएगा, y +4 = 9 हो जाएगा, वो y = 5 आ जाएगा। ये भी रिपीट हुआ है, मुझे याद आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होता है। एक बिंदु क्या होता है आपका, ये बिंदु है, ये बिंदु ये बिंदु ऐसा ही होता है, तो इसका ना तो कोई लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना मोटाई होता है, कुछ नहीं होता है, वो बिना आकृति बिना आकार का ये होता है, ठीक है, इसमें से ये कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है, ठीक है। बिना आकृति बिना आकार का होता है, बस एक ये चिन्ह होता है जिसका कोई आकृति आकार नहीं होता है, ठीक है। बिंदु को मिलाने वाली मध्य रेखा क्या है, यह x1 y1 x2 y2, यह xm है यह ym है मध्य रेखा, तो xm निकालना है तो x1 + x2 / 2 कर दीजिए, ym निकालना है तो y1 + y2 / 2 कर दीजिए, ठीक है, यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो 4 और 6 10, 10/2 x आ जाएगा, 5 पाँच पाँच 10, ये 5 दोनों 5 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, देखिए ये मान लीजिए एक्स पॉइंट है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, प्लस माइनस में लेता हूँ, ये 3 है और ये -2 है। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, बीच का पॉइंट क्या होगा, तो देखिए इधर से भी एक गया, इधर से भी एक गया, इधर से भी एक गया, बीच का पॉइंट आपका ये कहीं आएगा वो, ठीक है। तो कैसे निकालें, दोनों को जोड़िए, इधर से 3 डिस्टेंस है, इधर से 2 डिस्टेंस है, 3 - 2 कितना आ जाएगा आपका, 3 - 2 / 2 करना है, यानी कि 1/2 आधा आएगा वो, ये आधा ही है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, तो 0 और 1 के बीच में आधा आ रहा है, ठीक है। दोनों को जोड़ के बस डिवाइड करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 अब -2 अब माइनस कर दिया, प्लस करके 5/2 कर दिया, गलत है, सिर्फ जोड़ दीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, ठीक है। 40 नंबर पे चलते हैं, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी है, देखिए सिंपल है ये, ग्राफ से अगर आपको बताऊंगा तो दिमाग में ज़्यादा अटेगा। ये मैं मान लेता हूँ एक्स है, एक्स वाई मैं मान लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट है एक्स वाई, तो एक्स तो ये हो गया, सॉरी ये हो गया वाई, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, बिना समझे आपसे कुछ नहीं बनेगा। ये आपका हो गया वाई, ये आपका हो गया एक्स, सॉरी, ठीक है, और ये आपका हो गया वाई। तो डिस्टेंस क्या पूछा है, एक्स वाई की दूरी क्या है मूल बिंदु से, मूल बिंदु तो आपका ये है, तो मूल बिंदु से वाई का दूरी पूछा है, तो मूल बिंदु से वाई का दूरी क्या होगा आपका, ये वाला ही होगा, वो यही डिस्टेंस होगा ना,
तो ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकाल लो, इसे मैं मान लेता हूँ ये जो डिस्टेंस, इसे मैं डी मान लेता हूँ, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहता है, तो डी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा वो। ठीक है, कोई ज़्यादा साइंस नहीं है, एक बार समझ गए सभी क्वेश्चन बना दोगे आप। ठीक है, अब देखिए इसे समझिए, वाई अक्ष पर अक्ष कौन सा लिया है, पढ़ते जाइए और बनाते जाइए, ए एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है। वाई अक्ष पर हमें इस पर चलना है, एक्स अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर, एक्स अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। क्या कह रहा है, एक्स अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर, एक्स अक्ष से नीचे, एक्स अक्ष तो ये रहा, ये नीचे आ गया, 4 इकाई -4 आ जाएगा वो। तो ए का निर्देशांक क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, ए का निर्देशांक ये रहा वो। ठीक है, ए का निर्देशांक क्या, जो एक्स का वैल्यू आ गया 0, वाई का वैल्यू आ गया -4, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला आप चलते हैं कि मूल बिंदु से दूरी क्या है, अभी मैं बताया हूँ ये है मूल बिंदु आपका, 0 0 मूल बिंदु है। हमने ड्रॉ क्या करना है, -6 और 8, 1 2 3 4 5 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये वाला बिंदु बनेगा वो, -6 और 8। -6 तो हो गया आपका एक्स, ये एक्स डिस्टेंस, और 8 हो गया आपका वाई डिस्टेंस, और मूल डिस्टेंस यहाँ से पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस अगर से मैं डी मान लूँ पाइथागोरस थ्योरम से, डी स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा वो, यानी कि 64 प्लस 36, यानी कि 100, अगर डी निकाल लूँ तो अंडर रूट 100 हो जाएगा वो, यानी कि 10 यूनिट होगा वो। सीधा पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकते हो, सीधा इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपका 10 यूनिट सही उत्तर होगा। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है, कितने रैखिक समीकरण इससे संतुष्ट होंगे। देखिए x इक्वल टू क्या है आपका, 2 है वो, ये x है ये y है, 1 2, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2, और दूसरा y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 -2। ठीक है, अब कितने रैखिक समीकरण इससे संतुष्ट होंगे, देखो आप इस पॉइंट पर कितने समीकरण बना सकते हैं, y इक्वल टू कुछ भी बना लीजिए आप, y इक्वल टू 1 भी बनेगा, y इक्वल टू 2 भी बनेगा, y इक्वल टू 3 भी बनेगा, y इक्वल टू 4 भी बनेगा, यानी कि अनंत बन सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अच्छे से मैंने समझाया आपको, एक बार फिर से देखिए, एक प्रश्न भी आपका नहीं छूटना चाहिए, मैं शुरू से करवा रहा हूँ। ठीक है, और इसका टेलीग्राम पे क्विज होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और जाते जाते इस कंसेप्ट के साथ जो मैंने समझाया उसके लिए एक लाइक दे दीजिए। ठीक है, गुड लक आपके एग्जाम के लिए, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, थैंक यू।